बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड वन इस्लामियात का चैप्टर नंबर टू की एक्टिविटीज़ या सरगर्मी करेंगे, पेज नंबर फोर। सबसे पहले सवाल है, सवाल नंबर एक, मुख्तसर जवाब दें, तौहीद का मतलब क्या है? तो बच्चों, तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला की ज़ात एक है, ठीक है। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात एक है। सवाल नंबर दो, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? अल्लाह ताला। सवाल नंबर तीन, ये कायनात किसने पैदा की है? तो बच्चों, ये कायनात किसने पैदा की है? अल्लाह ताला ने। सरगर्मी नंबर दो, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ को तस्वीर से मिलाएं, ठीक है। जैसे कि एक सॉल्व यहाँ पर की हुई है बुक में पहले से, इबादत। जैसे ये इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो इस जो है लफ्ज़ को हम इस तस्वीर के साथ मिलाएंगे। सूरज, तो सूरज के साथ मिलाएंगे। चलना, तो ये बच्चा चल रहा है, तो इसके साथ मिलाएंगे। सुनना, कान से हम क्या सुनते, क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं, तो सुनना को हम मिलाएंगे कान के साथ। उसके बाद आँख, आँख से हम क्या करते हैं? देखते हैं, तो देखना को आँख से मिलाएंगे। सरगर्मी नंबर तीन, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी कि सही का निशान लगाएं। नंबर एक, अर्रहमान के मायने हैं। अर्रहमान के क्या मायने हैं? सुनने वाला, देखने वाला, या बहुत मेहरबान। तो अर्रहमान के मायने हैं बहुत मेहरबान। उसके बाद नंबर दो है, अलकुद्दूस के मायने हैं। अलकुद्दूस से क्या मायने हैं? पालने वाला, माफ़ करने वाला, हर बुराई से पाक। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है हर बुराई से पाक। तो सही ऑप्शन के ऊपर आपने टिक का निशान लगाना है। सवाल नंबर थ्री जो है ये एमसीक्यूज़, वो है अर्रहीम के मायने हैं। अर्रहीम के क्या मायने? तोबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला, या फिर बहुत मोहब्बत करने वाला। तो ये क्या है? रहम करने वाला। तो अर्रहीम के मायने हैं रहम करने वाला। तो रहम करने वाला पर आपने टिक लगाना है।